नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज और अभी आप इंदौर में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर आज और कल दो दिन उपस्थित हैं और इसके बाद पुणे में आप और हम एक साथ बैठेंगे। मिलने के लिए आपको कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। कार्यालय का नंबर सामने चल ही रहा है, किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लें और मिलने का समय तुरंत सुनिश्चित करें। मित्रों, जून महीने में एक विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन हम करवा रहे हैं, इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। एक विशेष उपलब्धि आपका इंतजार करेगी, उसकी विस्तृत जानकारी जल्दी ही आपको कार्यालय से प्राप्त होने वाली है। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, आज का दिनांक 26 मई का कैसा बीतने वाला है, ये सब जानकारी हम देने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है आज, शाम 6:06 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय, चंद्रमा धनु राशि में, नक्षत्र आज का मूल रहेगा। सुबह 10:35 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा आज का साध्य। तदनुसार दिनांक 26 मई दिन रविवार, राहुकाल शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल का समय जो रहेगा 3:00 से 4:30 तक। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम जरूर कर सकते हैं। राहु काल नए और शुभ काम को बिल्कुल मना करता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के भविष्यवाणी का। मेष राशि, चंद्रमा का प्रभाव आज केतु और शुक्र के नक्षत्रों में होगा। चंद्रमा भाग्य स्थान पर है, पढ़ाई के लिए समय आप बिल्कुल सटीक पा रहे हैं, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। व्यापार को लेकर के थोड़ा सा सतर्कता अनिवार्य है, साधने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, संभलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को आप संभल कर कदम बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र कई प्रकार से आपको तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कहीं से भी आपके लिए अनुकूल नहीं है, थोड़ा नियंत्रण में लेकर के चलने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं, भाग्य स्थान का चंद्रमा है, कहीं घूमने टहलने के कार्यक्रम बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत रहेगी, खांसी जुखाम की शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गुलाब जल अपने ऊपर छिड़काव कर लें। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, आठवें के चंद्रमा से थोड़े विचलित जरूर रहेंगे, पढ़ाई में आज कुछ भी इच्छा जागृत नहीं रहेगी, शिक्षा परेशान करेगी। व्यापार में स्थितियां संभलने वाली है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें बहुत अनुकूल हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज बंधन देगा, कई प्रकार से तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र आप पर खूब कृपा बरसा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर आप अच्छी तरह से साध कर कदम बढ़ा रहे हैं,
दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की दिक्कत, आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? माथे पर शहद का तिलक लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, चंद्रमा आज सातवें में सुशोभित हो रहा है। शिक्षा बहुत अनुकूल है, पढ़ाई में किसी तरह की चिंता नहीं, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। हर कदम पर आपको शुभता रहेगी। व्यापार उतार चढ़ाव के साथ बढ़ रहा है। बिजनेस में कई प्रकार से आपको उलझन बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की संभावनाएं आज बनेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थिति में आ जाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन आप पर कृपा दृष्टि देगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अनुकूल अपने आप आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मिथुन राशि वालों को जुखाम खांसी, चूँकि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर, हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर थोड़ा सा मौसमी फल किसी बुजुर्ग को दान करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा करेंगे अब आज के स्पेशल कर्क राशि की। चंद्रमा यहाँ विराजमान हो रहे हैं छठे भाव में। शिक्षा की स्थिति उतार चढ़ाव के साथ है। पढ़ाई कहीं से भी बहुत अनुकूल नहीं है। शिक्षा में थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस आपके लिए शुभ स्थिति में है। बिजनेस पर आप कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा परेशान कर रहा है, परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। नियंत्रण रखेंगे, सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र शुभ स्थिति को प्राप्त कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ स्थिति के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी और बच्चों के बीच एक सकारात्मक संदेश देगा कर्क राशि 26 मई। स्वास्थ्य, डाइजेशन की दिक्कत है आज, बुखार खांसी की शिकायत रहेगी, छठे का चंद्रमा है। प्रयोग क्या करना चाहिए कर्क वालों को? भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 11 बार इसका जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा सिंह राशि की। चंद्रमा आ गए पंचम भाव में। संतुलित दिन कहा जाएगा। पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं। व्यापार आपके लिए अनुकूलता का पर्याय है। बिजनेस में कुछ बड़ा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आप पर कुछ दिव्य कृपा दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप कामयाब हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ चल रहा है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी और बच्चों के बीच एक पुल का कार्य करेगा आज। आप कुछ बड़ा करेंगे पाएंगे, क्योंकि पंचम में ही संतान भाव में ही चंद्रमा का संचरण है। परिस्थितियां आपके लिए बहुत सकारात्मक हैं। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि सिंह है, सिंह राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर
कुछ खाने पीने की वस्तु का दान करना होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या की। यहाँ चंद्रमा विराजमान हुए चतुर्थ भाव में, पढ़ाई में आज कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहा है। शिक्षा की चिंता कदापि न करें, व्यापार आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। बिजनेस को ध्यानपूर्वक संभालने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति अपने आप ला रहा है। तेजी से बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा बेहतर करने का आपको प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर को। दांपत्य जीवन बेहतर अपने आप है, आज किसी तरह की चिंता नहीं। कन्या राशि, पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, समस्याओं का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत रहेगी, क्या करना है आज। कन्या राशि वालों को आज भगवान गणेश को एक पीला पुष्प अर्पित करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, चंद्रमा आए आज तृतीय भाव में, पढ़ाई आज अच्छी चल रही है। शिक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं। व्यापार अनुकूलता के साथ चल रहा है, बिजनेस आपके लिए अवसर भी देगा। प्राइवेट सेक्टर संभलने की स्थिति में है, संभल जाएगा। मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र परेशान कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन एक दूसरे के साथ नियंत्रित होकर के चलने की ज़रूरत पर है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उपाय करना है। प्रयोग के तौर पर माथे पर अपने हल्दी का तिलक लगाइए। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। अगली राशि वृश्चिक राशि। यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे, पढ़ाई उतार चढ़ाव के साथ है, शिक्षा कहीं से भी अनुकूल नहीं है। कई तरह की मुश्किलें आपको परेशान करेंगे आज। केतु का नक्षत्र है, व्यापार लेकिन रुक रुक कर लय पकड़ लेगा। दोपहर के बाद बिजनेस बेहतर स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आप उत्तम परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बेहद अनुकूलता के साथ चलेगी, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र कई मामलों में आपको परेशान कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करिए। दांपत्य जीवन हर प्रकार से शुभ है, पति पत्नी का साथ मिल रहा है, मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है। उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 54। धनुराशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान, उत्तम परिणाम के साथ शिक्षा लेवल पे है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं। नए योजनाओं पर कार्य करने का समय आ गया है। व्यापार आपके लिए कुछ अच्छा अवसर दे रहा है।
व्यापार की स्थिति बेहद अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ परिणाम डावाडोल होंगे, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति थोड़ा सा उलझन वाली है, आपको परेशान करेगी। सरकारी क्षेत्र अगर आप कुछ सोचे हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाइए, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है? ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि, द्वादश स्थान का चंद्रमा रहेगा आज 26 मई। पढ़ाई में कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, शिक्षा की चिंता न करें। व्यापार अच्छा है, अवसर अच्छा मिलेगा, बिजनेस में चीज़ें सेटल्ड होंगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर स्थिति आ रही है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। सरकारी क्षेत्र मुश्किलें डालने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बॉस के साथ तालमेल कम बैठ पाएगा। मकर राशि, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करिएगा, जवाब देने पर ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रिश्ते में आज सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य बेहतर परिणाम दे रहा है, स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर शहद का तिलक लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, आज चंद्रमा विराजमान हुए एकादश स्थान पर। लाभ के मार्ग कई तरह से प्रशस्त करेंगे, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको आज लाभ होना है। पढ़ाई की कहीं से भी चिंता ना करें, शिक्षा बहुत अनुकूल है। व्यापार की स्थिति थोड़ी डावाडोल हो रही है, बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए नौकरी में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा देगा, गवर्नमेंट सेक्टर की चिंता कदापि न करें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ सानिध्य प्राप्त हो रहा है, सपोर्ट मिलेगा, मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य, माइग्रेन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सांस की दिक्कत जैसे हो गई, और ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहेगी। क्या उपाय करना है कुंभ राशि वालों को? आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम है, केंद्र में है, पंचमेश होकर। पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे और लेवल की शिक्षा हो रही है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार आपके लिए कई प्रकार से तकलीफ बढ़ा रहा है, बिजनेस को कंट्रोल करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आज कई प्रकार की कृपा देगा, जिसमें नौकरी में प्रमोशन और नए वाहन के संकेत भी दिखाई देते हैं,
क्योंकि चंद्रमा दशम में है और चतुर्थ भाव पर देख रहा है, तो नया वाहन हो गया चौथा भाव, और दशम में चंद्रमा तो कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, चंद्रमा नवीनीकरण का कारक तो नई नौकरी, यह गोचर है। और मैं कभी हवा में बात नहीं करता, कई बार आप लोग को लगता है कि रिपीट राशिफल, भैया रिपीट नहीं है, चंद्रमा रिपीट है, नक्षत्र रिपीट है। तो फल मान लीजिए कि लास्ट वीक आपका रह गया हो तो इस वीक संभावना बन जाती है, बताना मेरा कर्तव्य है। जीवन में कुछ ही इवेंट्स तो मेन हैं, अब रोज चोट थोड़ी लगेगा छठे में चंद्रमा जाने से, क्या आपके भाग्येश की दशा होगी तो छठे का चंद्रमा कर्जा पटा देगा क्या? तो ज्योतिष है, हल्के में ना लीजिएगा। खैर, नौकरी के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति, कुछ नया कार्यभार आपको मिल सकता है, नए बॉस आज आएंगे, बॉस के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करिए। परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हो रही हैं, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मीन राशि वालों को 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। अब चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट सक्सेस की, लेकिन आपको बताएं पुणे में मुलाकात परसों कर सकते हैं आप, 28-29, दो दिन हम पुणे रहेंगे, मिलने का समय आपके लिए निर्धारित है, मिलने का समय सुनिश्चित करिए। आप लोगों के सामने बड़ा अवसर है, मुंबई और फिर मुंबई से फिर सीधे राजकोट हम जाएंगे। मेष से लेकर मीन तक का राशिफल हो गया है, अब आइए आज के सक्सेस की बारी। 26 मई के सफलता के लिए दही और चीनी एक चम्मच में लेकर प्रथम आहार के रूप में सेवन करिए और फिर दिन का आनंद उठाइए। आज का अब भाग्याक्षर, मेष वाक्षर, वृषभ का, मिथुन छोटा अक्षर, कर्क गा, सिंह फाक्षर, कन्या चा, तुला लाक्षर, वृश्चिक धा, धनु हाक्षर, मकर गा, कुंभ भाक्षर, मीन झा। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और इंजॉय करिए, पास में अपने रखकर भाग्य को प्रबल करते हुए। अब आइए जान लेते हैं जिसकी आज बर्थ एनिवर्सरी और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, दिनांक 26 मई को क्या रहेगा पूरे वर्ष को शुभ करने का उपाय, आइए जानते हैं। तो आज के आयुष्मान भव में आपका बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। आज अगर आपका जन्मदिन है तो दो पीपल के पौधे आपको लगाने का संकल्प लेना है, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है और कुछ खाने पीने की वस्तु दान करना है। जिसकी आज बर्थ एनिवर्सरी के बाद मैरिज एनिवर्सरी है, किसी कन्या के शादी में मदद करना है, बरगद का पौधा और दो नीम का पौधा लगाना है और पीपल की तीन परिक्रमा करके किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक करवा लेना है, बस इतना करिए। शुभकामनाएं देते हैं, अनुमति चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और प्यार लुटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो मुलाकात करते हैं आज और कल इंदौर, इसके बाद पुणे। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की
कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।